फ्रेंड्स, यहाँ पे 300 वॉट की ड्रिल मशीन है, ये मेरा इन्वर्टर है। अभी चलिए मैं ड्रिल मशीन को आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रही 12 वोल्ट की मेरी बैटरी, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप कितनी पावर से ये यहाँ पे घूम रहा है। ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट। सो आज हम एक पावरफुल इन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कुछ यहाँ पे मॉसफेट, जो मैंने पहले से ही एक प्लाईवुड पे सेट कर रखे है। एक चाहिए अच्छी क्वालिटी की हीट सिंक, दो मॉसफेट है, मॉसफेट का नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो देख सकते हैं आप। और हमें चाहिए एक 220 ओम की रेजिस्टेंस, देख सकते हैं आप, ऊपर की 220 ओम की है, नीचे की 220 ओम की है, और इन दोनों को मैंने जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो मान लो ये हमारा फर्स्ट मॉसफेट है, ये है सेकंड मॉसफेट। सो अभी हमें जो फर्स्ट मॉसफेट की जो फर्स्ट पिन है, वहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस जो है, मतलब फर्स्ट पिन यानी कि जो हमारी गेट है, गेट ड्रेन सोर्स, ये मॉसफेट की थर्ड पिन रहती है, गेट ड्रेन सोर्स। तो फर्स्ट मतलब मॉसफेट की जो फर्स्ट पिन है, वहाँ पे हमें ये 220 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देनी है, और सेकंड मॉसफेट के ड्रेन पिन पे हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो पहले मैं फर्स्ट मॉसफेट की गेट पिन पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो गाइस, देख सकते हैं आप, फर्स्ट मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे मैंने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, और सेकंड मॉसफेट की मिडल पिन यानी ड्रेन पिन पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। और एक और हम रेजिस्टेंस लेंगे और फर्स्ट मॉसफेट की ड्रेन पिन पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी मॉसफेट के गेट पिन पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। मैं वीडियो के लास्ट में इसकी पूरी सर्किट डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। ओके, सो गाइस, देख सकते हैं आप, मैंने रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिए है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा, शायद स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए। अभी हमें क्या करना है, 100 ओम की रेजिस्टेंस एक और लेनी है, और फर्स्ट मॉसफेट की मतलब दोनों मॉसफेट के गेट पे हमें ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है। मतलब पहले फर्स्ट मॉसफेट के गेट पे हमें इसे कनेक्ट करना है, और दूसरी और रेजिस्टेंस लेके दूसरे मॉसफेट के गेट पिन पे हमें इसे कनेक्ट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, 100 ओम की है ये रेजिस्टेंस। ओके, सो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, फर्स्ट मॉसफेट की गेट पे मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है, और दूसरे मॉसफेट के गेट पिन पे मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। हमें क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस के ये दोनों पॉइंट्स है, इनको हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। ओके, कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और अब हमें एक और वायर लेनी है, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके की आपको एक वायर लेनी है। ओके, सो ये मैंने वायर ली है। अब दोनों मॉसफेट की जो थर्ड पिन है सोर्स, उनको हमें आपस में इस वायर से कनेक्ट कर देना है। दोनों मॉसफेट की जो थर्ड पिन है, ये रही सोर्स, और इस मॉसफेट की ये रही सोर्स, इन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट जो है कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे भी मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, देखा हो चुका। ओके, अभी जो है हमने ये जो पॉइंट निकाला था दोनों रेजिस्टेंस का, इन दोनों रेजिस्टेंस को जो है, इस पॉइंट को हमें सोर्स से कनेक्ट कर देना है, ये वाले पॉइंट को। ओके, देख सकते हैं आप, मैंने ये जो वाला पॉइंट है, ये मैंने सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये दो रेजिस्टेंस का जो पॉइंट था, वो मैंने सोर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ के दूसरे मॉसफेट के सोर्स से एक और वायर कनेक्ट करेंगे, और उसे इस स्क्रू पे लगा देंगे, और ये होगा हमारा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने जो सोर्स वाला जो पॉइंट है, वो मैंने इस स्क्रू से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें लेना है ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर की जो 12012 ये वाइंडिंग है, तो ये 12 और ये 12 हमें हीट सिंक पे लगा देना है। ओके, यहाँ पे हीट सिंक पे हमें लगा देना है, और ये जो मिडल वाला पॉइंट है, ये होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ पे हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देंगे, और ये दो वायर है, ये हम हीट सिंक के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ। ओके, सो देख सकते हैं आप, मैंने जो ट्रांसफार्मर की जो 12 और 12 है, वो हीट सिंक के साथ कनेक्ट कर दिए। अब आपको लेना है एक होल्डर, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉप से आसानी से मिल जाएगा, और आपको ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे हमें ये कनेक्ट कर देना है। ये देख सकते हैं, अब ये मेरे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये
कर दिया मैंने कनेक्ट। ओके सो देख सकते हैं आप अभी होल्डर भी हो चुका है कनेक्ट। गाइस अब हमें ऐसे दो वायर्स लेने हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो ब्लैक जो है वो हमने जो यहाँ पे स्क्रू टाइट किया था, देख सकते हैं आप स्क्रू यहाँ पे फिक्स किया था, वहाँ पे हम ब्लैक जोड़ देंगे। सो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ब्लैक। ओके ये किया मैंने कनेक्ट यहाँ पे ब्लैक, और ये जो रेड वायर है ये हम ट्रांसफार्मर के जीरो पे लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर का पूरा सर्किट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इन्वर्टर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं। देख सकते हैं आप ये मेरे पास बैटरी है 12 वोल्ट और 8 एम्पियर की यहाँ पे बैटरी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ नेगेटिव को नेगेटिव बैटरी की। ओके सो देख सकते हैं आप, और पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ लोड लगा के दिखा देता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने 300 वॉट की एक ड्रिल मशीन यहाँ पे कनेक्ट कर दी हुई। ओके 300 वॉट की है ये, देख सकते हैं आप 300 वॉट की ड्रिल मशीन है। अभी मैं बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं आप इन्वर्टर हमारा ऑन चुका है। अब देखिएगा, देख सकते हैं आप कितने 300 वॉट का ये लोड तो बहुत आसानी से चला रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बल्ब कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, एलईडी बल्ब। तो यहाँ पे मेरे पास लगभग 12 वाट का एक बल्ब है, तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ होल्डर में। देख सकते हैं आप ये किया मैंने होल्डर पे यहाँ पे कनेक्ट, ये लगाई बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल। अभी देखिएगा, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लाइट यहाँ पे ग्लो हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डायग्राम, तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लीजिएगा। ओके सो गाइस ये है पूरी इसकी सर्किट डायग्राम, आज आप एक बार इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल कर रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।